I've fallen in love with I Love. I love. Él bole, wow. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माति संगो कवि कर्मणि गंधार नरेश शकुनी उस जुआरी की तरह है जो दांव पर दांव हारता है परंतु खेल खत्म करने पर तैयार नहीं। यही तो जुए की पकड़ है। किंतु शकुनी पांडवों से इतना जलता है कि उस जलन ने उसे अंधा कर दिया है। कुरुराज भवन में अंधों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है। गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। दुर्योधन कर्म से अंधा है और शकुनी पांडवों के प्रति अपनी नफरत से, और इन्हें उस जयद्रथ का पता ही नहीं जिसे उसकी वासना ने अंधा कर दिया और जो अपने अपमान की छाल बिछाए तपस्या के मार्ग से अपने अपमान के लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। सारथी, रथ रोको। नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय। सिंधु नरेश, भ्राता जयद्रथ, आप यहां क्या कर रहे हैं और आपने अपनी ये क्या दशा बना रखी है? वहां दुश्शला आपके लिए चिंतित है और मुझे आपकी खोज के लिए निकलना पड़ा। ये मैं नहीं हूं, ये मेरे मलिन, दूषित, कलुषित आत्मसम्मान का शव है मित्र दुर्योधन। मैं ये मुंह ना तो अपने मित्रों को दिखा सकता हूं और ना ही अपने शत्रुओं को। युवराज दुर्योधन, मित्र दुर्योधन, प्रिय दुर्योधन, ये पांच चोटियां देख रहे हो ना? ये पांच चोटियां नहीं, ये पांच सर्प हैं जो दिन रात लगातार रुके बिना मेरे सर पे मंडराते रहते हैं और मुझे डसते रहते हैं। वो कौन है जिसने आपका अपमान करने का साहस किया है और वो भी हमारे राज्य की सीमाओं के भीतर? ये वही पंचशूल है युवराज, जो तुम्हारे हृदय में भी धंसा हुआ है, पांडव। पांडव? उन्होंने इस नाते का शील संकोच भी नहीं किया कि आप उनके बहन हुई हैं और दुश्शला उनकी भी बहन है। आपकी ये दशा बनाकर उन्होंने सर्प की बाबी में हाथ डाला है भ्राताश्री, और दुर्योधन उन्हें इस अपराध के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। दुर्योधन तो चाहे उन्हें क्षमा कर भी दे, परंतु यह अपमानित जयद्रथ उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। युवराज, ये पांच चोटियां नहीं, उन पांचों की मृत्यु दंड के आदेश पत्र हैं जिन पर मैं उनके रक्त से हस्ताक्षर करूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं युवराज कि मैं इस अपमान के घाव को तब तक भरने नहीं दूंगा जब तक मैं उनसे इस अपमान का प्रतिशोध नहीं ले लेता। उन्होंने मेरी छाती में एक घाव और लगा दिया है। दुश्शला अनाथ नहीं है सिंधु नरेश, उसके पति का अपमान करने वालों को इस अपराध के लिए कई कई बार भरना पड़ेगा। आप हस्तिनापुर चलिए। नहीं, अभी तो मैं ना सिंधु देश जा सकता हूं और ना हस्तिनापुर। पहले तो मैं तपस्या करके महादेव से उन पर विजय पाने का वरदान प्राप्त करूंगा। आप किस चिंता में हैं प्रभु? मैं इसलिए चिंतित हूं देवी कि सिंधु देश का राजा जयद्रथ पांडवों पर विजय पाने का वर मांगने के लिए तपस्या कर रहा है। तो आप क्या करेंगे प्रभु? पांडव तो धरती पर सत्य के प्रतिबिंब हैं और स्वयं नारायण की कृपा छाया में हैं। यदि मेरे स्थान पर तुम होती तो क्या करती? मैं उसे कोई वर दिए बिना ही लौटा देती प्रभु। मांगने वाले को लौटाना नहीं चाहिए। यदि मेरे पास कोई कुछ मांगने आता है तो मैं उसकी भक्ति का ऋणी हो जाता हूँ, और ऋण तो चुकाना ही पड़ता है। मैं मांगने वाले को रीते हाथ नहीं लौटा सकता।
तो क्या आप? यही तो चिंता है, जो मैं नहीं दे सकता वो तो मैं नहीं दूंगा, किंतु उसे कुछ ना कुछ तो अवश्य देना पड़ेगा, और मैं उसे कुछ ना कुछ अवश्य दूंगा भी। तुम चिंता ना करो, जो हो रहा है उसे चुपचाप देखती जाओ। रक्त के एक समुद्र के मंथन की घड़ी निकट आती जा रही है। बलिन बलि का चलने देता, छलन छली का चलने देता, कोई इसकी चाल न जाने, हार गए सब बड़े सयाने, पारन पाते वेद पुराण, पारन पाते वेद पुराण, सब दिन होत न एक समान, इनकी एक भूल से इनको पड़ा काटना, गिन गिन दिन को, ऐसे ही बारह बरस बिताए, पर्वत जैसे दुख उठाए, रखा धर्म ध्वजा का मान, रखा धर्म ध्वजा का मान, साधो समय बड़ा बलवान, सिर पर लटकी है तलवार, पैरों तले बिछी अंगार, किंतु धैर्य का साथ न छोड़ा, दुखों से मुख तनिक न मोड़ा, मन में बसा रखा भगवान, मन में बसा रखा भगवान, सब दिन होत न एक समान, पांचों पांडव वन वन भटके, पांचों पांडव वन वन भटके, संग द्रौपदी नाम, साधो समय बड़ा बलवान, सब दिन होत न एक समान। अरे पुत्र, तनिक विश्राम ले। बैठो पांचाली, प्यास भी लगी है। अनुज सहदेव, तनिक इस वृक्ष पर चढ़कर चहूं और देखो, कदाचित कहीं जल के दर्शन हो जाएं। प्यास के कारण हम सबकी जीभ में कांटे पड़ गए हैं। जो आज्ञा भ्राता श्री। संभाल कर चढ़ना सहदेव। भीम, अर्जुन, अब हमें अज्ञातवास के विषय में भी विचार करना आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने तो अपने गुप्तचर अवश्य भेज दिए होंगे, परंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरे ये तेजस्वी भाई छिप कैसे सकते हैं। मजले भैया रसोई बड़े अच्छे लगेंगे। भोजन में रुचि भी बहुत है, रसोई में रहोगे तो एक वर्ष किसी पंछी की भांति उड़ जाएगा। मेरे भीम को सताया ना करो पांचाली, परंतु सुझाव प्रतिकूल है अर्जुन। मैं किसी गुड़साल में जुट जाऊंगा और सदे भैया कोई गोशाला संभालेंगे। और महाराज किसी राजा के सभासद बन जाएंगे, परंतु ये गांडीवधारी छिपेंगे कैसे? कोई कोस भर पर एक पेड़ों का झुंड है, वहां बगले भी उड़ रहे हैं,
वहां जल अवश्य होगा। प्रिय नकुल, तनिक जाकर थोड़ा सा जल ले आओ। जो आज्ञा व्रताशी। ये लो सहदेव। ठहरो, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम ये जल नहीं पी सकते। पी लिया तो क्या करोगे? पी कर देखो। तनिक तुम जाकर देखो भैया, नकुल को अब तक तो आ जाना चाहिए था। जो आ गया बड़े भैया। सावधान, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम ये जल नहीं पी सकते। प्रिय अर्जुन। जी भ्राताश्री। मुझे चिंता हो रही है, तनिक तुम जाके देखो कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। आप चिंता ना करें भ्राताश्री, मैं भी जाके देखता हूं। सहदेव, सहदेव, नकुल, नकुल, किसने मारा मेरे भाइयों को? किसने मारा मेरे भाइयों को? सामने आओ, सामने आओ! इनकी हत्या मैंने की है द्रोण शिष्य अर्जुन। क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? ये सरोवर मेरा है और इन दोनों ने मेरे रोकने के पश्चात भी इस सरोवर का जल पीने का अपराध किया है। ये लोग प्यासे थे। प्यासे होने का अर्थ ये नहीं कि तुम दूसरे का जल छीन लेने के अधिकारी हो गए। यदि तुम्हें जल चाहिए तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो तुम्हारे इन दोनों भाइयों की हुई है। जल और पवन पर हर प्राणी का अधिकार होता है, इसलिए मैं इस सरोवर पर तुम्हारा अधिकार स्वीकार नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही स्वयं जल भी पीऊंगा और साथ ले भी जाऊंगा। यदि तुमने रोकने का प्रयास किया तो एक वान से सुखा दूंगा इस सरोवर को। सुना तुमने? तुम जल नहीं पी सकते अर्जुन। मैं फिर कहता हूँ द्रोण शिष्य अर्जुन, रुक जाओ, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना कोई भी ये जल नहीं पी सकता।
प्रिय भीम, अर्जुन अनुजों के साथ नहीं लौटा? मैं अभी देखता हूं बड़े भैया। सामने आ हत्यारे। क्या तुम मेरे भाइयों के हत्यारे हो? हाँ, और यदि तुमने भी मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना मेरे जल को हाथ लगाया तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। पहले मैं जल पीकर यह सिद्ध करूंगा कि इस जल पे तेरा कोई अधिकार नहीं, फिर तुम्हें इन हत्याओं का दंड दूंगा। खाओ का निशान भी तो नहीं, तो क्या इस सरोवर का जल ही विषैला है? ऐसा लगता तो नहीं, परंतु गंधा नरेश शकुनी का क्या ठीक? किंतु इन शरीरों पर विष का कोई प्रभाव भी तो दिखाई नहीं देता। फिर भी जो कुछ है वो है तो इसी सरोवर के जल में। इस सरोवर के जल में अवश्य कुछ ना कुछ तो है जिसने मेरे भाइयों की यह दशा की है। ठहरो, जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। आप कृपया मुझे ये बताइए कि आप रुद्र, वसु अथवा मरुत आदि प्रधान देवताओं में से कौन हैं? मैं यक्ष हूं और मैंने ही तुम्हारे इन महान तेजस्वी भाइयों की ये दशा की है। मैंने इन सबको रोका था कि मेरे सरोवर का जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, परंतु ये नहीं माने और मारे गए। यदि तुम्हें भी जल पीना या ले जाना है तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। प्रयास करूंगा, आप प्रश्न कीजिए। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। मृत्यु के समीप हुए पुरुष का मित्र कौन है? दान। धर्म, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है? धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है और यश का मुख्य स्थान दान, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान ने। आलस्य क्या है? धर्म न करना आलस है। सुखी कौन है?
जो ऋणी ना हो। सच्चा स्नान कौन सा है जो मन का मैल धो दे। काजल से भी अधिक काला क्या है। कलंक। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है। दया श्रेष्ठ धर्म है। किसको वश में रखने से शोक नहीं होता। मन को वश में रखने से शोक नहीं होता। लज्जा क्या है। ना करने योग्य काम से दूर रहना लज्जा है। दया क्या है। सबके सुख की इच्छा करना दया है। राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है। अराजकता। हे राजन, वास्तव में ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है। कुल, चरित्र, शिक्षा या शास्त्र ज्ञान। हे यक्ष, कुल, शिक्षा और शास्त्र ज्ञान ब्राह्मणत्व को सिद्ध नहीं करता। ब्राह्मणत्व का प्रमाण तो निसंदेह चरित्र ही है। अच्छे चरित्र वाला शूद्र उस ब्राह्मण से अच्छा है जो जन्म से तो ब्राह्मण हो और शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, परंतु जिसका चरित्र अच्छा ना हो। धर्म क्या तर्क में है। नहीं। तो क्या ऋषियों की विचारधारा में है। नहीं, क्योंकि किसी एक ऋषि की विचारधारा दूसरे से नहीं मिलती, उनमें मतभेद होता है। किसी ऋषि के पास संपूर्ण सत्य नहीं। तो फिर धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है। व्यक्ति के हृदय की गुफा में। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी यही सोचता है कि कदाचित उसके जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं। भरत श्रेष्ठ, तुमने मेरे सारे प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए हैं, इसलिए इन चारों भाइयों में से जिस एक को चाहो वो जीवित हो सकता है। यदि इनमें से एक ही जीवित हो सकता है तो हे यक्ष, मैं अपने प्रिय अनुज महावीर नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। हे कुंती नंदन, भीम और अर्जुन जैसे भाइयों को छोड़कर तुमने नकुल के ही जीवित होने की इच्छा क्यों की। मेरे लिए माता कुंती और माता माद्री में कोई अंतर नहीं। मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव रखता हूँ, इसलिए यदि मैं भीम या अर्जुन को जीवित देखना चाहता तो ये माता माद्री के साथ अन्याय हो जाता। अब माता कुंती के तीन पुत्रों में से तो मैं जीवित हूं ही, इसलिए मैं माता माद्री के भी एक पुत्र को जीवित देखना चाहता हूँ कि माता माद्री ये ना सोचे कि मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया। इसलिए यदि मेरे भाइयों में से केवल एक ही जीवित हो सकता है तो मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। यदि माता कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माता माद्री के भी कम से कम एक पुत्र को जीवित रहना चाहिए। और यदि मैं ये कहता कि तुम्हारे दो भाई जीवित हो सकते हैं, तब तुम किनका नाम लेते। हे यक्ष, तब मैं सहदेव का नाम लेता, क्योंकि वो भीम और अर्जुन दोनों ही से छोटा है। तुम्हारे इस वाक्य ने मुझे अति प्रसन्न किया भरत श्रेष्ठ। तुम भरत वंश का गौरव हो, तुम्हें अपने सारे भाई जीवित मिलेंगे। भगवान यक्ष तो आप हैं नहीं, क्योंकि यक्ष जीवन दान नहीं दे सकते। आप तो कोई देव श्रेष्ठ ही हो सकते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। हे ज्येष्ठ कुंती पुत्र, मैं धर्मराज हूं और तुम्हें देखने के लिए ही यहाँ आया था। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं ये देखकर अति प्रसन्न हुआ कि शम, दम, उपरति, तितिक्षा और समाधान, इन पांच साधनों पर तुम्हारी प्रीति है, तथा भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा व मृत्यु, इन छह दोषों को तुमने जीत लिया है। तुम्हारा मंगल हो। पांचाली प्रतीक्षा कर रही होगी, आओ चलें।
पांचाली, क्या हुआ पांचाली? दुर्योधन के गुप्तचर हमें खोजते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। चिंता ना करो पांचाली, चिंता ना करो। वो चाहे धर्म हो चाहे अधर्म, सत्य हो चाहे असत्य, शून्य में नहीं जी सकता। उसे भी उगने और पनपने के लिए समाज की उपजाऊ भूमि चाहिए, कोई युधिष्ठिर चाहिए, कोई धृतराष्ट्र चाहिए, प्रकाश के लिए सूर्य चाहिए, चंद्रमा चाहिए, दिया चाहिए। कहने का मतलब ये कि इन शब्दों के अर्थों की खोज में किसी शून्य के मरुस्थल में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, न शब्द और न ही उसका अर्थ। यही बताने के लिए तो मैं आपको हजारों हजार बरस पुरानी ये कहानी सुना रहा हूं। आप खुद देखिए कि जब स्वयं नारायण को भी इन शब्दों का अर्थ समझाना होता है तो वे मानव रूप में धरती पर आते हैं और जी कर दिखलाते हैं और जीना सिखलाते भी हैं। पर जरा ये सोचिए कि जो नारायण का शिष्य होगा वो कैसा होगा। पुत्र अभिमन्यु। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव, क्या कहीं युद्ध पर जा रहे हो पुत्र? नहीं माताश्री, पर मामाश्री ये कहते हैं कि जब तक मैं खड्ग युद्ध में कृत वर्मा जी को परास्त नहीं कर लेता तब तक वे मुझे योद्धा नहीं मानेंगे। तुम द्वारिका के सेनापति को परास्त करोगे मेरे लाल? क्यों नहीं माताश्री, महारथी बनने के लिए तो महारथी को ही परास्त करना पड़ता है। और आप ये ना भूलें कि मैं अपने मामाश्री वासुदेव कृष्ण का शिष्य हूं। वे प्रतिदिन मुझसे कहते रहते हैं, पुत्र अभिमन्यु, इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। किंतु वो यही नहीं बताते कि इतिहास मेरी प्रतीक्षा कहां कर रहा है। यदि तुम्हारे मामाश्री ये कह रहे हैं वत्स कि इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है तो इतिहास अवश्य ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। परंतु अब तुम्हें यह सिद्ध करना पड़ेगा पुत्र कि तुम इतिहास की प्रतीक्षा के योग्य हो। आपका आशीर्वाद चाहिए माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। सावधान वत्स। आपने तो वत्स कह के मुझे निहत्था कर दिया कृतवर्मा जी। इस समय मैं वत्स नहीं प्रतिद्वंद्वी हूं। प्रिय अभिमन्यु, युद्ध में यह भी संभव है कि तुम्हें जिनसे युद्ध करना पड़े उन्हें तुम्हें वत्स कहने का अधिकार भी हो। कभी कभी जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए भी युद्ध करना पड़ता है और ऐसे युद्ध में कोई किसी का नातेदार नहीं होता। इसलिए खड़ग उठाओ और कृतवर्मा का सामना करो। जो आज्ञा। आप मुझसे बड़े हैं, अपने से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। विजयी भव।
तुम वास्तव में अपने मामा श्री के शिष्य हो। युद्ध आरंभ होने से पहले ही विजयी होने का आशीर्वाद ले लिया। आरंभ करें। आयुष्मान भव। हे वासुदेव, ये बालक तो ऐसा है जिस पर भीम और अर्जुन जैसे योद्धा भी गर्व करें। वे इस पर अवश्य गर्व करेंगे कृतवर्मा। इस पर तो स्वयं मुझे गर्व है। ये वो योद्धा है जिसका नाम इसके शत्रु भी आदर सहित लेंगे। परंतु मेरे शत्रु कौन होंगे मामा श्री? कोई साधारण व्यक्ति तो तुम्हारा शत्रु हो ही नहीं सकता वत्स। कोई महावीर महारथी ही तुम्हारा शत्रु होने का साहस कर सकता है। लगता है कि तुम कोई शुभ समाचार लेकर नहीं आए। भ्राता श्री, गुप्तचर निराश होकर लौट आए हैं। निराश होकर? परंतु वे तो परछाई की भांति उनके पीछे लगे हुए थे। वे कहते हैं कि एकदम से धुएं की वर्षा हुई और जब धुआं छटा तो वहां पर उनका कोई पता नहीं था। पता कैसे नहीं था? क्या वे धरती में समा गए? क्या आकाश पर चले गए? दुशासन, उनसे कहो कि वो पांडवों का पता लगाएं, नहीं तो मैं उन्हें इस पुतले के स्थान पर खड़ा करके गदा मार मार कर मार डालूंगा। अज्ञातवास का वर्ष आरंभ हो चुका है विदुर, और ये वर्ष हस्तिनापुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कभी ये सोचते सोचते डर जाता हूं कि यदि दुर्योधन के गुप्तचरों ने उन्हें पहचान लिया तब क्या होगा। और यदि न पहचाने तात्श्री, तब क्या होगा? तब क्या होना है? वो लौट कर आएंगे, धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेंगे और इंद्रप्रस्थ चले जाएंगे। क्या आपको विश्वास है तात्श्री कि उनके लौट आने के पश्चात दुर्योधन उन्हें इंद्रप्रस्थ दे देगा? क्यों नहीं देगा, वो तो उसे देना ही पड़ेगा। यदि ऐसा है तात्श्री, तब तो मैं दुर्योधन को समझा ही नहीं। यदि ऐसा होने वाला होता तो द्यूत क्रीड़ा की क्या आवश्यकता थी? द्रौपदी वस्त्र हरण क्यों होता और अज्ञातवास की क्यों ठहरती? बोलिए तात्श्री। दुर्योधन ऐसा तो नहीं कर सकता विदुर। ये तो आप अपने मन को बहलाने का प्रयत्न कर रहे हैं तात्श्री।
आप भली भांति जानते हैं कि दुर्योधन क्या कर सकता है। दुर्योधन तो अंधकार है ताजश्री, अंधकार। और यदि कभी उस अंधकार में प्रकाश का अंकुर फूटने भी लगता है तो गंधार नरेश शकुनी उस अंकुर पर अपना अंधेरा उड़ेल देते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि ये युद्ध न हो और आप दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के अपमान से बचना चाहते हैं तो महादेव से प्रार्थना कीजिए कि पांडव अज्ञातवास में सफल न हो। हाँ ताजश्री, मैं ये भी तो नहीं चाहता कि मेरे प्रिय पांडवों को उनके अधिकारों से वंचित रह जाना पड़े। विदुर, मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूं कि दोनों हमेशा सुखी रहें, एक हस्तिनापुर में और दूसरा इंद्रप्रस्थ में। परंतु आप असंभव की प्रार्थना क्यों कर रहे हैं ताजश्री? क्या तुम जानते हो कि वो इस समय कहां है? वो अज्ञातवास में है। मुझे अपनी बातों के चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयत्न ना किया करो विदुर, ना किया करो। लाक्षाग्रह दुर्घटना के समय भी तुमने यही किया था और पांडवों का यह अज्ञातवास उसी का परिणाम है। यदि तुमने मुझे कर्ण, शकुनी और दुर्योधन के षड्यंत्र की सूचना दे दी होती तो महादेव के सौगंध युधिष्ठिर और उनके भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र रचाने पर वही महाराज से मैंने उन सब के लिए मृत्युदंड की मांग कर ली होती और महाराज का पुत्र मोह भी उन्हें बचाने में सफल नहीं हो पाता। किंतु आज मैं भी विवश हूं और तुम भी विवश हो। हम दोनों ही उन वृक्षों की भांति हैं जो चाहकर भी अपने उस स्थान को नहीं छोड़ सकते जिस पर वो उगे हुए हैं। अपनी छाया पर भी हमें वश नहीं रह गया है। हम केवल उस सौदामिनी की प्रतीक्षा कर सकते हैं जो हम पर गिर कर हमें भस्म कर दे। ये धृतराष्ट्र और शकुनी जैसों के युग में जन्म लेना हमारे लिए अभिशाप है विदुर, अभिशाप है, अभिशाप। हस्तिनापुर की राजनीति का आधार केवल निहित स्वार्थ बनकर रह गया है जिसमें देश प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है विदुर, कोई स्थान नहीं है। ये मेरे लिए तो दुर्भाग्य है ही विदुर, किंतु ये मेरे हस्तिनापुर के लिए भी दुर्भाग्य है। हस्तिनापुर मेरे सपनों का खंडहर बनकर रह गया है विदुर, खंडहर बनकर रह गया है। मेरी मातृभूमि मृत्युशैया पर पड़ी हुई है विदुर, मृत्युशैया पर पड़ी हुई है। उसे बचाने का प्रयत्न करो और उसकी औषधि राजनीति नहीं देश प्रेम है विदुर, देश प्रेम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये हस्तिनापुर एक दिन अपने धृतराष्ट्रों, अपने शकुनियों और अपने दुर्योधनों के हाथों का खिलौना बनकर रह जाएगा। हे मातृभूमि, अपने इस गंगा पुत्र भीष्म को क्षमा कर दे। ये जो कुछ हो रहा है मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी चाहा भी नहीं था, और ये जो कुछ हो रहा है उसे रोक पाना भी मेरे वश में नहीं है। क्योंकि वर्षों पहले मैंने तेरे ही हित में अपनी नीति ज्ञान की आंखों पर पट्टी बांध ली थी, पट्टी बांध ली थी माते, पट्टी बांध ली थी। देश प्रेम पर स्वार्थ ने विष का किया प्रयोग, भीष्म विदुर दोनों विवश है, असाध्य यह रोग। क्या मातृभूमि से क्षमा मांग लें तो इस पश्चाताप से, देश के विपरीत किए जाने वाले कर्म से व्यक्ति मुक्त हो सकता है? मैं इस प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहता। इस प्रश्न का उत्तर दें गंगा पुत्र भीष्म या स्वयं हस्तिनापुर। किंतु गंगा पुत्र के हृदय में एक फांस तो अवश्य खटक रही थी। ये बात और है
कि किसी ने इस फांस को देखने का प्रयत्न नहीं किया, लेकिन ये फांस अकेले गंगा पुत्र ही के हृदय में नहीं खटक रही थी। ये फांस तो हर उस हृदय में खटक रही थी जो हस्तिनापुर का शुभचिंतक था, परंतु किसी न किसी कारण विवश होकर दुर्योधन के साथ था। इन्हीं हृदयों में एक हृदय गांधारी का भी था। मैं तो दिन रात महादेव से यही वर मांगती हूँ कुंती, कि मेरे पांडव सुरक्षित लौट आए और इंद्रप्रस्थ का राज मुकुट लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं, तो मैं चैन की सांस लूं। मैं तो उस दिन का आभार मानती हूं जिस दिन मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, क्योंकि मैं तो इतनी लज्जित हूं कि मैं न तो हस्तिनापुर की ओर देख सकती हूं न तुम्हारी ओर। कुंती, आप तो उस राजनीति की चौसर पर हैं ही नहीं दीदी, तो फिर आप क्यों लज्जित हो? लज्जित क्यों ना हो, यदि तुम मुझे निर्दोष मानती तो क्या इन 12 वर्षों में एक बार भी अपनी दीदी को प्रणाम करने ना आती? प्रणाम का परिणाम तो आशीर्वाद होता है ना दीदी, तो फिर आप मुझे क्या आशीर्वाद देती? आपका हर आशीर्वाद प्रिय दुर्योधन के निहित स्वार्थ के विरुद्ध जाता दीदी। मेरे लिए आपका हर आशीर्वाद उसके लिए शाप हो सकता है दीदी, मैं भी उसकी माँ ही हूँ दीदी। महादेव साक्षी हैं कि मैंने उसे अपने पुत्रों से कम स्नेह नहीं दिया है दीदी, तो फिर मैं आपसे आशीर्वाद लेकर उसे शापित कैसे होने देती दीदी? माता का शाप तो उसके आशीर्वाद से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि भगवान हम दोनों माताओं की ममता की लाज रख ले दीदी, लाज रख ले। तुम हमारे पास आकर क्यों नहीं बैठती? तुम भी तो हमारी ही भांति हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के भाग्य की भागीदारी हो ना? तुला में दो ही पलड़े होते हैं महारानी, किंतु बांट तो तुम ही हो। यदि तुम ना होगी तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पलड़ा भारी है? आज हस्तिनापुर में बांटों की मर्यादा भी भंग हो चुकी है महारानी। आज तो सभी निष्ठा और अनिष्ठा के दोराहे पे खड़े हैं और ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि किधर जाना चाहिए। यदि हस्तिनापुर तुमसे ये प्रश्न करे तो तुम क्या उत्तर दोगी? हस्तिनापुर अपनी नारियों को ये सम्मान नहीं देता महारानी। यदि ऐसा होता तो युधिष्ठिर द्रौपदी को दाव पर न लगाता और ना ही दुर्योधन द्रौपदी वस्त्र हरण का आदेश देता। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हस्तिनापुर ये प्रश्न न आपसे करेगा और न मुझसे। तुम भी विदुर की ही भांति कड़वे सत्य बोलने में निपुण लगती हो वेदवती। ये तो बता सकती हो कि यदि तुम मेरे स्थान पर होती तो क्या करती? वही जो आपने किया महारानी। मैं भी दुर्योधन से कहती कि वो आगे बढ़कर मेरा वस्त्र हरण करे। तो क्या तुम उसे शाप देती? शाप किसी समस्या का समाधान नहीं है दीदी। शाप देने का अर्थ तो ये हुआ कि शाप देने वाले ने परिस्थितियों से हार मान ली हो। आप हार ना मानिए दीदी, आप हार ना मानिए। आप ही तुला भी हैं, आप ही बाट भी। उस पल तक तौलने के क्रम को विस्तृत रखिए जब तक दोनों पड़ले समान ना हो जाएं। और तब दुर्योधन का भविष्य दुर्योधन को दीजिए और युधिष्ठिर का भविष्य युधिष्ठिर को। किंतु इसका भी तो कोई उपाय बताओ कुंती।
मेरी अंतरात्मा को तो दोनों का ही भविष्य ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा कुंती। क्या तुम यह समझती हो प्रिय कि ज्येष्ठ गुरु होने के नाते मैं अपना दायित्व नहीं समझता? किंतु मैं क्या करूं, कोई वृक्ष अपने फल से नहीं लड़ सकता, नागफनी के पौधे पर चमेली के फूल नहीं आ सकते। दुर्योधन मेरी नेत्रहीन उच्चाकांक्षा का परिणाम है, वो मेरे स्वप्नों के धनुष से निकला हुआ बाण है, वो मेरे मुंह से निकला हुआ वाक्य है। मैं उसे नहीं लौटा सकता, इसलिए यही प्रार्थना करो प्रिय कि पांडव अपने अज्ञातवास में सफल ना हो। ये आप क्या कह रहे हैं आर्यपुत्र? अपनी विवशता मान लेने से दायित्व का बोझ कुछ कम हो जाता है प्रिय गांधारी, और जीना कुछ सहज हो जाता है। शकुंतला पुत्र भरत हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र से न्याय मांगने आया है। बैठे रहो पुत्र, बैठे रहो। तुम वर्तमान हो और वर्तमान को केवल भविष्य के लिए उठना चाहिए। यदि तुम उसके लिए नहीं उठोगे तो वो तुम्हें स्वयं उठा देगा। मैं तो तुम्हारा अतीत हूं जो वर्तमान के भविष्य के लिए स्थान रिक्त कर चुका है। मैं केवल तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं पुत्र कि यह राज्यसभा तुम्हारी उच्चाकांक्षा का आमोद ग्रह नहीं, यह तुम्हारा तपोवन है, राजनीति तुम्हारी तपस्या है। इसलिए सिंहासन पर बैठे रहो, क्योंकि आज तुम्हारा एक पूर्वज तुमसे न्याय मांगने आया है। न्याय? किंतु मैं आपके साथ कैसे अन्याय कर सकता हूं? आप तो अतीत हैं, और कोई वर्तमान अपने अतीत के साथ न्याय या अन्याय कैसे कर सकता है? तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वर्तमान होने के नाते तुम अतीत के सामने उत्तरदायी नहीं, और जब भविष्य वर्तमान बनेगा तो तुम अतीत बन चुके हैं? तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या यह है कि वर्तमान भूत और भविष्य दोनों ही के आगे उत्तरदायी नहीं, और स्वयं आप ही अपना स्वामी है? यदि ऐसा है तो इसका अभिप्राय यह है कि तुम काल का अर्थ ही नहीं समझते। वर्तमान अतीत का उत्तराधिकारी होता है नरेश, इसलिए मुझे तुमसे प्रश्न करने का अधिकार है। परंतु ताश्री नहीं वत्स, तुम राजा हो और मैं वादी, मेरा वाद सुनो और मुझे न्याय दो। आज तुम उस सिंहासन पर बैठे हो
जिस पर कभी मैं बैठा करता था। महाराज, मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। किसने अत्याचार किया है आप पर? स्वयं महाराज ने। मैंने? तुम कैसे राजा हो कि तुम उन जीवन मूल्यों की सुरक्षा करना तो दूर, उनका अपमान कर रहे हो, घसीटते फिर रहे हो उन्हें अपनी उच्चाकांक्षाओं की दलदल में। तुमने मेरा और अपने इस धरोहर का अपमान किया है। तुम कैसे भूल गए धृतराष्ट्र कि स्वयं मैंने अपने पुत्रों को इस राज मुकुट के योग्य न पाकर भरद्वाज पुत्र भूमन्यु को राजा बना दिया, और तुम अपने अयोग्य पुत्र को राजा बनाने के लिए स्वयं अपने ही अनुज पांडु पुत्र युधिष्ठिर के साथ अन्याय कर रहे हो, और ऐसा करते लाज भी आई तुम्हें? डूब मरने को भी जीने चाह तुम्हारा। हस्तिनापुर नरेश, मेरा उपालंब सुनो, और यदि हो सके तो मेरे साथ न्याय करो। महाराज, मेरे एक वंशज ने मुझे और मेरे सिंहासन को अपमानित किया है, अपनी धरोहर का वध किया है। उसने अपने पुत्र मोह में पड़कर देश प्रेम और राजनीति की मर्यादा को भंग किया है। उसने अपने अनुज पांडु पुत्रों के साथ कपट किया है। उसने अपनी ही भरी सभा में अपनी ही कुलवधू के वस्त्र हरण को अपने मौन द्वारा सहमति दी है। हे हस्तिनापुर नरेश, हे न्याय के उत्तराधिकारी, हे धर्म ध्वज रक्षक, मेरे उस उत्तराधिकारी ने मेरे वंश को कलंकित किया है। उसे कड़े से कड़ा दंड देकर मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। किंतु मैं अपने पुत्र दुर्योधन को अयोग्य नहीं मानता। मैं स्वर्गीय महाराज विचित्र वीर्य का ज्येष्ठ पुत्र हूं, और दुर्योधन मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। इस नाते यदि वो योग्य है तो मेरे पश्चात इस सिंहासन पर उसका अधिकार सबसे पहला है, और वर्तमान अतीत की परिभाषाएं सुनकर उनके आधार पर कोई निर्णय नहीं ले सकता है। आपके युग में योग्यता की परिभाषा कुछ और रही होगी। मैं ये नहीं कहता कि अपने युग में आपने जो निर्णय लिया था वो ठीक नहीं था। वो तो आप जाने और आपका युग, परंतु ये मेरा युग है, और मैंने जो निर्णय लिए हैं वो मेरे और मेरे युग के बीच में है। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं आपके सामने उत्तरदायी नहीं हूं, और यदि हूं तो यह बतलाइए कि आप ये दुखड़ा, ये परिवाद, ये उपलम्ब लेकर अपने वंशज स्वर्गीय शांतनु के पास क्यों नहीं गए, जिन्होंने स्त्री मोह में पड़कर अपने पुत्र देवव्रत के सभी अधिकार छीनकर अपने उस पुत्र को दे दिए थे जिसका अभी जन्म भी निश्चित नहीं था। झूठ मत बोलो धृतराष्ट्र, झूठ मत बोलो। महाराज बनकर पूछो मेरे पुत्र से कि अभी अभी तुमने मुझ पर जो आरोप लगाया है वो कितना निराधार है। मैं सत्यवती के वियोग में भले ही अपने प्राण त्याग देता, परंतु अपने पुत्र और हस्तिनापुर के साथ इतना बड़ा अन्याय कभी ना करता। किंतु तुमने तो जीती मक्खी निकली है धृतराष्ट्र। अरे, इस अपराध के लिए तुम्हें भरत वंश और भारतवर्ष कभी क्षमा नहीं करेगा। तुम अपने पुत्र के साथ मेरे पुत्र की तुलना कर रहे हो? अपनी प्रतिज्ञा की डोरी में बंधी हुई श्वेत आत्मा को, इस महान योद्धा, महान तपस्वी, महान राजनीतिज्ञ को तुम अपने निहित स्वार्थ के क्रीड़ा गृह में गेंद की तरह उछाल रहे हो। तुमने इसकी व्यवस्था को अपनी ढाल बना लिया है धृतराष्ट्र।
किंतु तुम उस दिन क्या करोगे जिस दिन की ढाल टूट जाएगी? तुम केवल नेत्रहीन हो पुत्र, बुद्धिहीन नहीं हो। तुम भलीभांति जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, और आज हस्तिनापुर में जो हो रहा है उसका उत्तरदायित्व केवल तुम पर है। मैं हस्तिनापुर और अपने पुत्र भीष्म के अपमान पर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं क्या करूं दुर्योधन, मेरे ही व्यक्तित्व का प्रक्षेपण है। दुर्योधन मेरा ही प्रक्षेपण है। दुर्योधन मेरे व्यक्तित्व का प्रक्षेपण है। दुर्योधन मेरा प्रक्षेपण है। दुर्योधन मेरा प्रक्षेपण है। दुर्योधन मेरा प्रक्षेपण। अरे पुत्र, अरे पुत्र, क्या कोई स्वप्न देख रहे थे? पता नहीं वो सपना था या सत्य, किंतु जो कुछ भी था बहुत भयानक था। वो कह रहे थे, नहीं नहीं, वो मान कर रहे थे, वो आदेश दे रहे थे कि मैं दुर्योधन को किसी सड़े हुए अंग की भांति काट के फेंक दूं। वे कौन? मेरे पूर्वज गांधारी। हाँ। क्या मैंने वास्तव में ही अपने अनुज पुत्रों के साथ कोई अन्याय किया है? मैंने उन्हें अपना आधा राज्य दे दिया, वे उस राज्य को द्युत क्रीड़ा में हार गए, तो मैं क्या करूं? जो राजा अपना राज्य, अपने अनुज, अपनी रानी को द्युत में हार जाए, वो राजा बनने योग्य ही नहीं है। वे हारे नहीं थे आर्यपुत्र, कपट द्वारा हराए गए थे। मान लिया, परंतु फिर भी अपनी संपत्ति, अपना मुकुट, अपने अनुज, अपनी रानी को स्वयं युधिष्ठिर ही ने तो दांव पर लगाया था। अब उस परिणाम का दंड मेरा दुर्योधन क्यों भुगते? इसका दंड दुर्योधन इसलिए भुगतेगा आर्यपुत्र कि उसका संकल्प कुलीन और शुभ नहीं था। तो क्या पांडु पुत्रों का कोई दोष नहीं था? अवश्य था, और अपने इस दोष के दंड को वे भुगत रहे हैं आर्यपुत्र। यदि आप सचमुच दुर्योधन की रक्षा ही करना चाहते हैं तो प्रिय पांडवों को वापस बुलवा लीजिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए और उनसे कहिए कि वे इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करें। यह संभव नहीं है गांधारी, अब यह संभव नहीं है, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो दुर्योधन कहेगा कि उनका अज्ञातवास टूट गया है, और इसके फलस्वरूप वो 12 बरस का वनवास फिर ले। आप राजा और पिता होने के नाते उसे आदेश दे सकते हैं, परंतु ये नेत्रहीन धृतराष्ट्र उन्हें खोजने कहां जाए? किसे पता है कि अपने अज्ञातवास का ये वर्ष वे कहां और कैसे बिता रहे हैं? धृतराष्ट्र ने ये तो ठीक ही कहा कि उसे ये पता नहीं कि पांडव अपना अज्ञातवास कहां और कैसे बिता रहे हैं, लेकिन मैं तो ये जानता हूं, पांडवों ने बहुत सोच विचार के बाद मत्स्य देश को अज्ञातवास के लिए चुना,
कि वहां का राजा विराट शक्तिशाली भी था और पांडवों का शत्रु भी नहीं था। तो वे वहां पहुंच गए और नगर के बाहर स्मशान में उगे एक पेड़ को अपने अस्त्र और शस्त्र सौंपने के उपरांत वो एक एक करके राजा विराट के यहां नौकर हो गए। युधिष्ठिर अपने को कंक बताकर राजा का दरबारी हो गया। भीम बल्लव के नाम से राजा का मुख्य रसोइया बन गया। अर्जुन बृहन्नला नाम से उत्तरा को नर्तन गायन सिखाने लगा। नकुल ने घुड़साल संभाल ली और सहदेव ने गोशाला। द्रौपदी सैरंध्री कही गई और रानी के श्रृंगार की जिम्मेदारी उसके सिर आई। तुम तो श्रृंगार कला में निपुण हो सैरंध्री, रानी द्रौपदी तो तुमसे बहुत प्रसन्न रहती होंगी। मैं उन्हें याद नहीं करती महारानी जी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, उन्हें याद करने से हृदय में टीस उठती होगी। मुझे तो पांडवों पर आश्चर्य होता है, जो कभी युद्ध में नहीं हारे वो अपना सब कुछ, संपत्ति, अपना मुकुट, अपना तेज, यहाँ तक कि अपनी रानी द्रौपदी को युद्ध में कैसे हार गए। यदि सम्राट युधिष्ठिर ये सब कुछ ना हारते तो संसार को ये उपदेश कैसे मिलता कि द्यूत कितना अशुभ, कितना अकुशल, कितना खोटा और कितना विनाशकारी होता है। ये तो तुमने सच कहा सैरंध्री। मैं महाराज से कितना कहती हूँ कि ये चौसर की लत छोड़िए, पर वो कहते हैं कि धनुष और चौसर तो क्षत्रिय की पहचान है। और जब एक दिन मैंने बहुत हट की तो बोले, तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें दांव पर नहीं लगाऊंगा। और अब तो महाराज को युधिष्ठिर का ये चाटुकार कंक और मिल गया है, बस दिन रात उसी के साथ लगे रहते हैं। वो तो भगवान लंबी आयु दे मेरे वीरन की चक्कू, जिसके भुज बल के कारण ये राज्य बचा हुआ है। अरे हाँ, तुमने तो इस ब्राह्मण कंक को वहां देखा होगा, क्या ये सम्राट युधिष्ठिर का भी ऐसा ही मुंह लगा हुआ था? महाराज के प्राण तो उनके अनुजों में है, वो तो स्वयं ही अपने उतने निकट नहीं है जितने उनके अनुज। ये तो अच्छा है। अच्छा ये बता, क्या द्रौपदी को लेकर पांचों पांडवों में कभी कोई खिंचाव पैदा नहीं हुआ? मैंने तो कभी कोई खिंचाव अनुभव नहीं किया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। और यदि तुम सच कह रही हो तो रानी द्रौपदी बहुत आदरणीय है, उन्होंने अवश्य कोई मोहिनी खिला दी होगी पांचों पांडवों को। वैसे भी वो होंगी तो बहुत सुंदर, तनिक उनके सौंदर्य का बखान तो कर। पुत्रा, तुम हिरणी नहीं हो पुत्री, कन्या हो। क्या बृहन्नला ने तुम्हें चलना नहीं सिखाया? क्षमा चाहती हूँ माताश्री। क्या बृहन्नला वास्तव में संगीत और नृत्य कला में निपुण है सैरंध्री? आप स्वयं सोच लीजिए महारानी जी, जिन्हें चित्र सन्ने गायन और नृत्य की शिक्षा दी होगी वो कैसे होंगे। उनके पखावज की गमक तो इंद्रलोक तक जाती है और अप्सराएं नृत्य करने लगती हैं। Thank you.
धान धान धा धान धान धा धान धान धा। अच्छा राजकुमारी, अब एक आवृत्ति वाला तोड़ा करो। हाँ, ठहरो उत्तरा, ऐसे नहीं। नृत्य में आंखों, भ्रिकुटियों और उंगलियों का बोलना आवश्यक है। नृत्य देखने वाले की आंखों को कान बनाने की कला है राजकुमारी उत्तरा। कुछ कहना ना पड़े और सामने वाले की आंख कान बनकर तुम्हारी बातें सुन ले। नृत्य गुरु है जो शब्द का अर्थ बतलाता है, इसलिए नृत्य को मनोरंजन का साधन समझने की भूल ना करो। नृत्य सभ्यता की तपस्या है, साधना करो, तपस्या करो। मुझे देखो, तथई तथई तिगदा दिग दिग थई आथई तथई तिगदा दिग दिग थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई। अब तुम करो, एक दो, तथई तथई तिगदा दिग दिग थई आथई तथई तिगदा दिग दिग थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई तिगदा थई। हाँ, राजकुमारी की जय हो। महारानी अपने कक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आज्ञा है? अवश्य। आयुष्मान भव। आओ सरेंद्री। पांचाली, अपनी आंखों से ये परिवाद का काजल पोंछ डालो। पांचाली, मेरी आंखों में परिवाद का रंग तो है ही नहीं। ये तो उस चेतना का रंग है कि मैं कारण हूं तुम सब के दुर्दशा का। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, गांडीव धरी अर्जुन, प्रिय नला के रूप में पखावज बजाता हुआ, पवन जैसा शक्तिशाली भीम, एक रसोईया बना हुआ सम्राट युधिष्ठिर, एक राजा का चाकर। परिस्थितियों पर रोना तुम्हें शोभा नहीं देता पांचाली। ये परीक्षा के दिन है, इन्हें ना मेरे वान काट सकते हैं ना ही नकुल सहदेव की तलवार। बड़े भैया का भला इन्हें छेद नहीं सकता और मझले भैया की कदा इन्हें तोड़ नहीं सकती। पांचाली, दिन को तो स्वयं उसके क्षण काटते हैं पांचाली, स्वयं उसके क्षण। 12 बरस का वनवास तो कट ही गया ना, ये 1 बरस का ज्ञातवास भी कट ही जाएगा। क्या महारानी का व्यवहार उचित नहीं था? ये बात नहीं है, किंतु वे सदैव पांडवों और स्वयं मेरी बात करती हैं। वो तुमसे तुम्हारी अधिक बातें करती होंगी। सुंदर स्त्रियों के विषय में पूछगछ करना स्त्रियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। एक दिन तुम उन्हें बता ही डालो कि इंद्रप्रस्थ की पटरानी दिखने में कैसी है। परंतु नहीं, ना बताना। यदि बता दिया तो वो ये सोचकर तुमसे जलने लगेगी कि तुम संसार की सबसे सुंदर स्त्री की सेवा में रह चुकी हो। तुम ऐसे में भी ठिठोली कर सकते हो, हंस सकते हो? संकट में और संकट पर ही तो हंसना चाहिए पांचाली। और सच पूछो तो संसार में संकट के अतिरिक्त हंसी उड़ाने योग्य और कुछ है ही नहीं। पांचाली, तनिक ये तो सोचो कि भ्राता दुर्योधन हमें खोजने के लिए कैसा छटपटा रहा होगा, और वो मामाश्री, उसकी तो नींद ही उड़ गई होगी। मैं उन सब के विषय में सोचना भी नहीं चाहती।
सोचती हूँ तो मेरा रक्त खोलने लगता है और मेरी ये खुले केश मेरे गले में फंदा डालने लगते हैं। तो तुम हस्तिनापुर के वही प्रसिद्ध गुप्तचर हो जो इस बात का भी पता चला सकते हैं कि सूर्य के कोष में कितनी धूप है और चंद्रमा के कोष में कितनी चांदनी है, और तुम इतना पता तक नहीं चला सके कि वे चूहे पांडव किस बिल में छिपे हैं। यदि जीने से जी भर गया हो तो ऐसा कहो, नहीं तो जाओ और इस वर्ष के समाप्त होने से पहले आकर मुझे बताओ कि वे पांडव कहां हैं और किस रूप में छिपे हैं। वे आकाश में हो चाहे पाताल में, मुझे उनके ठिकाने का पता बताओ, नहीं तो जाकर अपनी माताओं से कह दो कि वो भूल जाए कि उन्होंने कभी तुम्हें जन्म भी दिया था। यदि तुम मुझे ये शुभ समाचार नहीं दे सके कि वे पांडव कहां हैं, तो मैं केवल तुम्हें ही नहीं तुम्हारे संपूर्ण परिवार को मृत्यु दंड दूंगा। जाओ। बड़े भैया ने कहा है हमें खुलकर मिलना नहीं चाहिए। क्या करता, तुम्हें 2 महीनों से देखा नहीं था। बड़े भैया, मंजली भैया और छोटे भैया के दर्शनों को तो कुछ ही दिनों में 1 बरस हो जाएगा। क्या तुम ये समझते हो कि मेरा जी नहीं चाहता उनसे मिलने के लिए? अरे हम तो एक दूसरे से कभी अलग हुए ही नहीं, पर क्या करें, विवश हैं। एक दिन मैं महाराज के लिए अश्व लेकर राजभवन गया था तो उनके दास ने कहा भोजन करके जाना, नया रसोईया बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाता है। वो स्वादिष्ट भोजन क्यों ना बनाए, सम्राट युधिष्ठिर का रसोईया है। तो मैं रसोई में चला गया। मझले भैया इतने प्रसन्न हुए कि रो पड़े। ये क्या बल्लव महाराज, आप रो रहे हैं? आंख में प्याज लग गया था। इस अरिष्ट नेमी को तो आप जानते होंगे, महाराज युधिष्ठिर की घुड़साल को संभालता था। एक आध बार देखा था वहां। कैसे हो भैया? भगवान की कृपा और आपकी दया है। अब तुम आ ही गए हो तो भोजन करके जाना। इसीलिए तो साथ ले आया हूँ, बेचारा एक दिन तो उत्तम भोजन कर ले। आप इसे खिलाइए, मैं अभी आता हूं। बैठो। अरे भैया एक थाली तो लाना। अभी लाए भैया। सहदेव कैसा है? 12-14 दिन पहले मैं उधर घोड़े टहलाने निकल गया था। वो भी ठीक है, व्याकुल है आपके दर्शनों के लिए। उसको कहो थोड़ी देर और व्याकुल रह ले। यदि मुझे पता होता आज तुम आ रहे हो तो मैं तुम्हारी रुचि का भोजन बनाता। ये लो भैया, गरम गरम है।
ये दाल खाओगे तो माता श्री की याद आ जाएगी। बचपन में ये दाल बहुत खाई हम लोगों ने। बड़े भैया कैसे हैं? यदि कोई सम्राट सेवा चाकरी कर ले तो कैसा होगा? बस वैसे ही है वो। और अर्जुन ब्रहन्नला के रूप में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखा रहा है, और हजारों दासियां जिस द्रौपदी के केस सवारा करती थी वो द्रौपदी आज मत्स्या देश की पटरानी के केस सवार रही है। उसके पश्चात मैं कभी अश्व लेकर राजभवन गया ही नहीं। रो मत नकुल, तुम क्या समझते हो तुम यहां रोगे तो माताश्री को वहां पता नहीं चलेगा? इस दुख की पीड़ा को सहो नकुल, सहो। मुझ में तुम्हारी जितनी सहन शक्ति कहां है भैया? नहीं है भैया, नहीं है। तो फिर आज मेरी एक बात सुनो नकुल, मंजले भैया ने तो उस दुर्योधन और दुशासन को चुन लिया है, छोटे भैया ने उस सूत पुत्र कर्ण को चुन लिया है, परंतु शकुनी को सब भूल गए, जो हमारे और हमारे कुल के अपमान के वृक्ष की जड़ है उसे सब भूल गए। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वो कपटी शकुनी मेरे हाथों मारा जाएगा। हां, मेरे हाथों। प्राण हरूंगा शकुनी के, करता दुखी सदैव, आज प्रतिज्ञा कर रहा पांडु पुत्र सहदेव। महाभारत में प्रतिज्ञा और वचन का बड़ा महत्व है। कदाचित इसका कारण ये है कि मानव जाति से ये बात बार बार कहना आवश्यक है कि वचन तोड़ने के लिए नहीं दिए जाते। इसीलिए आप जिधर देखिए उधर ही कोई न कोई किसी वचन किसी प्रतिज्ञा से बंधा खड़ा है। कहीं गंगा पुत्र भीष्म खड़े हैं, कहीं शिखंडी, कहीं भीम बंधे हुए हैं, कहीं अर्जुन, कहीं द्रौपदी अपने बालों से बंधी खड़ी है, कहीं पांचाल नरेश द्रुपद प्रतिहिंसा की डोरियों में जकड़े हुए हैं। स्वयं शकुनी ने भी अपने आप को एक वचन दे रखा था, परंतु वो ये देख रहा था कि उसके वचन की यात्रा के कोस दिन ब दिन कड़े होते जा रहे हैं। गंधार नरेश की जय हो, गंधार नरेश की जय हो। कहो। युवराज उलूक दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। उलूक? वो गंधार से कब आए? सूर्यास्त के समय। ले आओ उन्हें। जो आज्ञा। उलूक, मेरा पुत्र। पिताश्री। उलूक मेरे पुत्र, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, आओ मेरे निकट बैठो, मेरी तलवार के निकट बैठो। हाँ, ये तो बताओ मेरा गंधार कैसा है? बिल्कुल वैसा ही सुंदर है पिताश्री, जैसा आप छोड़कर आए थे। मैं गंधार को कभी भी नहीं छोड़ के आया था पुत्र। हर रात मेरे सपने मुझे गंधार ले जाते, और मैं गंधार की गलियों को प्रणाम करता हूँ, उसकी सुगंधित वायु में सांस लेता हूँ, और फिर लौट आता हूँ पुत्र, लौट आता हूँ। तो पिताश्री, एक बार वहां हो क्यों नहीं आते? नहीं पुत्र, मैं अभी नहीं जा सकता, नहीं जा सकता।
देखते नहीं, मैं अपनी तलवार को धार लगा रहा था पुत्र। पिताश्री। हाँ, आप अपने शस्त्रों के निकट रहने के दिन आ गए हैं उलूक। ऋतु बदल रही है, मैंने तो अपने पांसे भी रख दिए हैं। ये देखो मेरे खाली हाथ, बिना पांसों के कैसे अधूरे लग रहे हैं पुत्र। जीतने को तो मेरे पांसों ने कई दांव जीते, परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीत कर भी सब कुछ हार गया, सब कुछ। पांडवों का अज्ञातवास भी अब समाप्त होने पर आ गया है पुत्र, परंतु हम अभी तक उनके छद्म रूप को ताड़ नहीं पाए, नहीं ताड़ पाए। इसलिए अब औपचारिक शस्त्रों से ही युद्ध करना पड़ेगा पुत्र, और ये युद्ध युद्ध नहीं होगा, ये महायुद्ध होगा, महायुद्ध। युद्ध का परिणाम तो कोई नहीं जानता, परंतु इस युद्ध में शकुनी का एक स्वप्न साकार हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा कुरुवंश का, सर्वनाश। और उनके शवों को उठाने के लिए कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मेरी प्रिय गांधारी से उस नेत्रहीन धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लाकर गंगा के उस पुत्र भीष्म ने गंधार का जो अपमान किया है उलूक, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। मैं जब भी राजभवन जाता हूं और अपनी कमल नयनी बहन गांधारी को देखता हूं, तो मेरा क्रोध अपने लंबे लंबे नखों से मेरा हृदय खरोंचने लगता है उल्लूक, खरोंचने लगता है। परंतु तुम ना डरो पुत्र, तुम ना डरो, तुम तो गंधार के दीप हो, और कदाचित कुरुवंश में आने वाली इस आंधी से तुम तो बच ही जाओगे पुत्र, बच ही जाओगे। किंतु पिताश्री, हमें कौरवों और पांडवों के इस युद्ध से क्या लेना देना, हम तो गंधार लौट ही सकते हैं। नहीं पुत्र नहीं, मैं एक जुआरी हूं, हार कर तो उठ ही नहीं सकता। दुख तो केवल यह है कि इस दूत क्रीड़ा का अंतिम दाव किसी दूत क्रीड़ा गृह में नहीं लगेगा, रणभूमि में लगेगा, रणभूमि में। और दोनों ही ओर से पांसे फेंकेगा काल। मैं युद्ध में निपुण अवश्य हूं, परंतु काल तो फिर काल होता है ना, और मैं उस सूत पुत्र कर्ण की भांति ऐसा भी नहीं कर सकता कि विजय या पराजय के विषय में सोचे बिना ही रणभूमि की ओर चल पड़ूं। कर्ण जैसों का जीना बड़ा सहज होता है पुत्र, बड़ा सहज होता है। आइए अंगराज, आइए। प्रणाम आचार्य।
आयुष्मान भावा, विराजिए, आज ये ब्राह्मण आपको कैसे याद आ गया? सच तो ये है आचार्य कि मैं सोते जागते आप ही के विषय में सोचता रहता हूं। कारण अंगराज? कारण ये है आचार्य कि आपने तो मुझ पर शिक्षा के द्वार बंद कर दिए थे। क्या आप वास्तव में यही सोचते हैं कि किसी सूत पुत्र या शूद्र का शिक्षा पर कोई अधिकार नहीं? नहीं अंगराज, शिक्षा पर सबका अधिकार है, परंतु तुम जिस शिक्षालय में आए थे वो केवल राजकुमारों का था, मान लिया। किंतु क्या आप अपने उस इनकार का परिणाम जानते हैं? परिणाम यह है कि तुम्हें मुझसे अच्छा गुरु मिल गया है, तुम परशुराम शिष्य हो गए हो। यह आधा परिणाम है आचार्य, पूरा परिणाम तो यह है कि यह परशुराम शिष्य अपने गुरु के शाप की छाया में जी रहा है। शाप? जी हां, शाप। और अब जबकि अर्जुन के अज्ञातवास का बरस समाप्त होने वाला है, मैं आपसे यही कहने आया हूं कि मेरे गुरु का शाप भी वास्तव में आप ही का दिया हुआ शाप है, और मैं इस शाप को स्वीकार करने के पश्चात भी आपसे यही कहने आया हूं कि मैं इस बात से अति प्रसन्न हूं कि मेरे मित्र दुर्योधन के गुप्चर पांडवों का अज्ञातवास नहीं तोड़ पाए, अर्थात युद्ध निश्चित है, उस युद्ध में आप भी होंगे, और अर्जुन से युद्ध करने के उपरांत मैं वहीं उसी रणभूमि में आपसे यह पूछूंगा कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, वो कुंती पुत्र अर्जुन या ये सूत पुत्र कर्ण। और अर्जुन से मैं यह जानते हुए भी युद्ध करूंगा कि उसके हाथ में मेरे गुरु के शाप की ढाल भी हो सकती है। ये भाषा तो क्षत्रियों की है अंगराज, क्षत्रियों की। मेरे गुरु ने भी यही कहा था, अंतर केवल यह है कि आप भाषा की बात कर रहे हैं और उन्होंने सहन शक्ति की बात की थी। तुम्हारी शिक्षा तो समाप्त हो चुकी है वत्स, अब गुरु से बिछड़ने का समय आ गया है। आपने तो यह कह दिया था गुरुवर कि मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना ही चला जाऊं, परंतु मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे चला जाऊं? तुम्हें शिक्षा देने में जो मुझे आनंद मिला उसी को गुरु दक्षिणा मान लो वत्स। तुम्हारे जैसे योग्य शिष्य कहां मिलते हैं आजकल किसी गुरु को। किंतु यह सदैव याद रखना कि तुम एक ब्राह्मण हो और क्षत्रिय धर्म की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, और यदि तुम ये देखो कि क्षत्रिय अपने धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनका विरोध करो जैसे मैंने किया था।
हाँ, तुमने अपनी रक्षा क्यों नहीं की वत्स? यदि मैं अपनी रक्षा करता तो आपके विश्राम की रक्षा नहीं कर पाता गुरुवर। विद्या अपने गुरु से झूठ बोलने वाले के काम नहीं आती कर्ण। मैंने क्या झूठ बोला गुरुवर? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, कौन हो तुम? क्योंकि ब्राह्मणों में यह सहन शक्ति हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और ब्राह्मण बनकर मुझसे शिक्षा ग्रहण करते रहे। मैं तो एक सूत पुत्र हूं। नहीं, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। यह सहन शक्ति क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी और में हो ही नहीं सकती। तुम क्षत्रिय हो और तुमने अपने गुरु के साथ कपट किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब यह विद्या तुम्हारी किसी काम नहीं आएगी। अंगराज, अंगराज कहां चले गए थे? गुरुवर के दर्शन करने चला गया था। गुरु के दर्शन तो वास्तव में आराधना है अंगराज। माता पिता और गुरु के आशीर्वाद को महादेव का वरदान समझो। हर माता पिता का आशीर्वाद आचार्य, या केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय माता पिता का आशीर्वाद? माता पिता की कोई जाति नहीं होती, या फिर उनकी अपनी ही एक जाति होती है। यूं पूछो तो गुरु की भी कोई जाति नहीं होती, स्वयं भगवान की भी कोई जाति नहीं होती। हाँ, माता पिता अच्छे भी हो सकते हैं और अच्छे नहीं भी हो सकते हैं। गुरु अच्छा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, पर यह सदैव आदरणीय है। और तुम तो बड़े भाग्यवान हो कर्ण कि तुम्हें वो गुरु मिला है जिसे प्रणाम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। रणभूमि की ओर जाने से पहले अपनी माता और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना ना भूलना। युद्ध आशीर्वाद के शस्त्रों या अस्त्रों का उपयोग नहीं करता है आचार्य, वो अपने बाहुबल और धनुष के बूते पर रणभूमि में उतरता है। मैं आपसे यही कहने आया था आचार्य कि अब आप अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को अपने आशीर्वाद का कवच पहना दीजिए। प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। तुमने तो हमारी उत्तरा का मन मोह लिया है ब्रिहन्नला। उठते बैठते तुम्हारी ही बात करती रहती है। कहती है कि इंद्र की अप्सराएं भी नर्तन और गायन का प्रदर्शन तुमसे अच्छा नहीं कर सकती। ये तो अपने गुरु के लिए राजकुमारी का आदरपूर्ण स्नेह है महाराज, नहीं तो कहां मैं और कहां नृत्य। हम तो आज ये देखने आए हैं कि तुमने हमारी उत्तरा को सिखाया क्या है। ऐसा कहकर महारानी मेरी परीक्षा ले रही हैं या उत्तरा की? माना कि तुम्हारा संबंध इंद्रप्रस्थ से है, वे लोग कलाओं की परख में निपुण हैं, किंतु हम भी कलाओं की थोड़ी बहुत समझ तो रखते ही हैं। जो आज्ञा महाराज, विराजिए।
ब्रहनला, तुमने तो हमारा मन मोह लिया। मेरी उत्तरा से अच्छा नृत्य तो उर्वशी भी नहीं कर सकती। उर्वशी, वो तो माता है महारानी। आठ, चलिए महाराज। कंक, ये ब्रहनला तो सचमुच नर्तन और गायन में निपुण है। नर्तन और गायन में ही नहीं महाराज, वो तो शस्त्र ज्ञान में भी निपुण है। क्या बात करते हो, ब्रहनला और शस्त्र पासे फेंको पासे।
प्रणाम महारानी। कंक, मैं ये पूछती हूँ कि महाराज युधिष्ठिर की दुर्दशा देखकर भी इन्हें समझाने के बदले तुम दिन रात बैठे इनके साथ चौसर खेलते रहते हो, क्या इनकी भी वही दुर्दशा देखने के उपरांत जाओगे यहाँ से? महारानी, महारानी। कंक, क्या मेरा प्रश्न ठीक नहीं है? आपका प्रश्न ठीक है महारानी, परिस्थिति तो कभी अशुभ प्रश्न करती ही नहीं। तो फिर उत्तर दो मेरे प्रश्न का। महाराज के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है महारानी। पर तुम्हारे महाराज युधिष्ठिर को किसने आदेश दिया था? क्षत्रिय मर्यादा ने महारानी, क्षत्रिय मर्यादा ने। और क्या क्षत्रिय मर्यादा ने ये आदेश भी दिया था कि वे अपने राज्य के साथ साथ अपने भाइयों और अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दें? मैं तो ये समझ नहीं पा रही कि वे कैसे धर्मराज हैं। यदि वे सब कुछ दांव पे ना लगाते महारानी, तो ये सिद्ध कैसे होता कि द्यूत क्रीड़ा कितनी अशुभ, कितनी व्यक्ति विनाशक क्रीड़ा है? द्यूत की पकड़ इतनी गहरी होती है महारानी कि ना तो जीतने वाला ही उठना चाहता है और ना हारने वाला। अच्छा ये बताओ कि एक बार सब कुछ हारने के पश्चात वे फिर क्यों खेलने बैठ गए? महाराज धृतराष्ट्र ने तो एक बार उन्हें सब कुछ लौटा भी दिया था। यदि कोई क्षत्रिय किसी की कृपा से राजा हो जाए तो फिर वो कैसा क्षत्रिय और कैसा राजा? राज्य किसी की कृपा से नहीं महारानी, बाहुबल से लिया जाता है। संभवतः ज्येष्ठ पिताश्री की कृपा से मिला हुआ राज्य मछली के कांटे की भांति उनके गले में अटक गया था। ये मैं नहीं मानती। महाराज धृतराष्ट्र उनके ज्येष्ठ पिता थे, तो उनका आशीर्वाद अस्वीकारनीय कैसे हो सकता था? यदि आप ये नहीं मानती महारानी, फिर ये मानिए कि दूसरे द्यूत का आदेश भी उन्होंने ही दिया था, और उनके आदेश का पालन करना ज्येष्ठ कुंती पुत्र का कर्तव्य था, और कदाचित भाग्य रेखा भी उसी दिशा में जा रही थी। महावीर, महारथी, सेनापति कीचक पधार रहे हैं। मेरे भैया आ गए। प्रणाम महारानी। दुर्जनता के वृक्ष पर फल लगता जो शाप, कीचक ऐसा शाप है, कीचक ऐसा पाप, कीचक ऐसा पाप। सरदरी। आज्ञा महारानी जी। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी कि तुम्हारे ये केश जो इतने मृदुल और लंबे हैं, तुम इनकी देखरेख की ओर ध्यान क्यों नहीं देती? सदैव खुले रहते हैं। क्या तुम्हें अपने इन घने लंबे और कोमल केशों से प्रेम नहीं? पहले मैं इन्हें बांधे रखती थी महारानी जी। तो अब क्यों इन्हें यूं छोड़ दिया है जैसे केश तुम्हारे अपने नहीं किसी और के हों? बस जी नहीं चाहता। किंतु जी क्यों नहीं चाहता? वो है क्या महारानी जी कि मैं यहाँ आने से पहले इंद्रप्रस्थ के पटरानी द्रौपदी की सेवा में थी और उन्होंने अपने केश खोल रखे हैं, तो उनकी प्रति मेरी निष्ठा मुझे अपने केश बांधने नहीं देती। जिस दिन वो अपना जोड़ा बांध लेंगे उसी दिन मेरी ये केश भी बंध जाएंगे। मुझे तो उनका जोड़ा बंधना संभव नहीं लगता सरंधरी। दुशासन ने हस्तिनापुर राज्य की शक्ति का कवच पहन रखा है, और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उनका अज्ञातवास सफल हो पाएगा। हस्तिनापुर के गुप्तचरों की सेना उन्हें चारों दिशाओं में खोज रही होगी। और तनिक विचार करो सरंधरी, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, बांका और सजीला नकुल,
तेजस्वी सहदेव ये भला छुपे रह सकते हैं? ये तो कदाचित संभव है कि खोजने वाले को चंद्रमा ना मिले किंतु चंद्रवंशी पांडव ना मिले, ये तो संभव ही नहीं। क्या आप ये चाहती हैं कि अज्ञातवास का वर्ष समाप्त हो जाने से पहले ही पांडव हस्तिनापुर वालों को मिल जाएं? मैं ये नहीं चाहती, और सच पूछूं तो जब मैं द्रौपदी के विषय में सोचती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। जुआ खेले धर्मराज और दंड भुगत रही है वो, एक स्त्री का ये अपमान कोई स्त्री कैसे सहन कर सकती है? कभी कभी तो मेरा मन करता है कि शाप दे दूं धर्मराज युधिष्ठिर को। नहीं नहीं महारानी जी, भगवान के लिए ऐसा ना कीजिएगा। दोष ना तो धर्मराज का है और न ही द्रौपदी का। जो कुछ भी हुआ उसमें थोड़ा बहुत हाथ द्रौपदी के अभिमान का भी था। और ये भी तो हो सकता है कि आगे जो कुछ भी होने वाला है ये उसकी भूमिका हो। भाषा तो तुम क्षत्राणियों की बोलती हो सारंदरी। मुझे महाराज द्रुपद के राजभवन में यही भाषा सिखाई गई थी महारानी जी। अच्छा अच्छा, तो तुम कांपेले से द्रौपदी के संग हो? संग होना कैसा महारानी जी, मैं तो उनकी परछाई हूँ। महाराज मुझे पुत्री कहकर बुलाया करते थे और युवराज को मैं भैया कहा करती थी। सरंत्री वैसे क्षमा चाहती है। मैं तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझ गई सरंत्री। तुम्हारे जैसी दासी मिलना सौभाग्य की बात है। तुम जाओ। क्षमा चाहती हूँ। ओ भैया, आप वहां क्यों खड़े हैं? ये दासी का भाई। एक वर्ष हो गया, दुखिया रही है बेचारी। महारानी द्रौपदी की प्रसादिका थी। चलो द्रौपदी को नहीं देखा तो उसकी प्रसादिका को ही देख लिया। इसके सौंदर्य में तो अग्नि की लपट है बहन, निकट से गई तो एक आंच सी लगी। भैया मैं सच कह रहा हूँ सुदेशना, ये अग्नि तो बुझानी पड़ेगी। उसकी चाल की शालीनता देखी, दासियां ऐसे नहीं चलती, ये तो देवियों के चलने की शैली है। तुमने इसे दासी बनाकर इसके साथ बड़ा अन्याय किया है। इससे कहो कि आकर मेरा भवन संभाले। मेरे रोकने से तो आप रुकने वाले हैं नहीं। सैरंद्री, तुम यहां क्या बैठी हो? इस वाटिका में खिले हुए ये सारे फूल तो तुम्हारे नूतन सौंदर्य से चल रहे होंगे। सुदेशना भला तुम्हारे सौंदर्य को क्या मान सम्मान दे सकती है? तुम्हारे इस मुखड़े के दर्शन कर लेने के उपरांत अब मैं पूर्णमासी के चंद्रमा की ओर कभी नहीं देखूंगा। उसने निसंदेह तुम्हारे इस उज्जवल मुखड़े से भिक्षा में चांदनी पाई होगी। तुम सैरंद्री तो नहीं हो सकती, हां तुम कमल पर बैठी हुई श्री अवश्य हो सकती हो। तुम प्रेम की देवी
रति अवश्य हो सकती हो। अर्जुन और कर्ण जैसे धनुर्धर भी तुम्हारे नैनों के वाणों का सामना नहीं कर सकते। ये वाण उनकी छाती में छेद कर उनके हृदय में उतर जाएंगे। कामदेव के वाणों से घायल इस योद्धा पर दया करो। मेरी कामना की तपती भूमि पर सावन बनकर बरस जाओ सुंदरी। तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो सौंदर्य का हस्ताक्षर हो। तुम्हारे लिए मैं सारी पत्नियों को त्याग दूंगा, उन्हें तुम्हारी दासियां बना दूंगा। हे महारथी, मैं तो केवल एक सैरंध्री हूं, एक साधारण से प्रसाधिका। मैं इस सम्मान के योग्य नहीं। मनीषी वही है हे महायोद्धा, जो अपने वैवाहिक जीवन की खींची हुई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करे। धर्मानुसार दूसरों की पत्नी का आदर करना चाहिए और माँ और बहनों की भांति उनकी रक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं भी एक ब्याहता हूँ, मेरे सर पर मर्यादा की ओढ़नी है और सेनापति होने के नाते उस ओढ़नी की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मैं ये सब जानता हूँ, किंतु तुम्हें पाने के लिए मैं अपने धर्म को त्याग सकता हूँ और तुम्हें तुम्हारे धर्म के हाथों से छीन सकता हूँ। मुझे अस्वीकार करके तुमने अच्छा नहीं किया सैरंध्री। मैं यहाँ का राजा नहीं हूं, परंतु इस राज्य की राजनीति की नदी मेरी भुजाओं से निकलती है। आप स्वयं अपने जीवन के शत्रु क्यों बन रहे सेनापति कीचक? मैं सैरंध्री अवश्य हूँ, परंतु असहाय नहीं हूँ, अनाथ नहीं हूँ। 5 शूरवीर मेरे मान सम्मान और मेरे शरीर के रक्षक हैं। मैं 5 गंधर्व महावीरों की पत्नी हूँ, और यदि उन्हें इसकी भनक भी मिल गई कि आपने इस वाटिका में रोककर मेरा यूं अपमान किया है, तो मेरी महारानी को आपके शव पर रोना पड़ेगा। मेरा निवेदन सुनिए, अपनी मृत्यु को आमंत्रित न कीजिए। मैंने आपकी बहन का नमक खाया है, मैं उनके भाई की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सतीत्व एक पर्वत है, और यदि आप इससे टकराएंगे तो उस पर्वत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु आप कण कण होकर बिखर जाएंगे। भैया, प्रिय बहन सुदेशना, यदि तुम ये चाहती हो कि मैं जीवित रहूं, तो अपनी सैरंध्री को समझाओ कि वो मुझे स्वीकार कर ले, क्योंकि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हे बीरन, वो मेरी शरण में है। सैरंध्री के विषय में ऐसा सोचकर मुझे लज्जित ना करो। यदि तुम्हें अपने जीवन से और अपनी बहन से प्रेम है, तो अपने हृदय से इस भावना को यूं निकाल फेंको जैसे किसी मिथ्याचारी दास को घर से निकाल दिया जाता है। तुम्हारी इस भूल का परिणाम सारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो ये है अपने भाई के लिए तुम्हारा स्नेह? मैं पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म का अंतर जानती हूँ भैया, परंतु तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें त्याग भी नहीं सकती। नरक के इस मार्ग पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, मैं अपने भवन में उसकी प्रतीक्षा करूंगा। महारानी की जय हो। मैं तुम्हें ही बुलवाने वाली थी।
आदेश दीजिए। तनिक मेरे भैया के भवन तक चली जाओ, वो महाराज के लिए कोई अच्छी मदिरा लाए हैं, वो ले आओ। वे मेरे भ्राता हैं सरंद्री। मुझे याद है महारानी, परंतु कदाचित आप ये भूल गए हैं कि मैं एक पत्नी हूं। मदिरा लाने के लिए किसी और दासी को भेज दीजिए। मैं तुम्ही को भेजना चाहती हूँ। जो आज्ञा, किंतु परिणाम के उत्तरदायी आप होंगे। जब मन बेबस हो करे, कोई अनुचित काम, तब उसको ना दिखता क्या होगा परिणाम। सीख हम बीते युगों से, नए युग का करें स्वागत, करें